गिलगित बल्तिस्तान, जिसका हर इलाका एक मुनफरिद खूबसूरती का हामिल है, लेकिन इस नलतर वैली की लश ग्रीनरी का एक अपना लेवल है। बहुत से लोग गिलगित सिटी को क्रॉस करके हुंजा वाली साइड पे चले जाते हैं, लेकिन नलतर वैली इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है और पुरसकून भी है। हेलो जी, वेलकम बैक फ्रॉम चिल्लास। आज का हमारा प्लान है कि हमने जाना है नलतर, और अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लोकल्स 5 से 6 घंटे का सफ़र है। और जब ऐसी जगह पे आएँ तो लोकल गाइड को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि गूगल मैप्स की जो ETA और नेविगेशन है वो आपको सारा पजल कर सकती है। यहाँ पे ज़रा गर्मी है, गियर जो पहना ना मैंने, मुझे इसमें गर्मी लग रही है, और पथरीला सारा पहाड़ी सिलसिला मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ से भी निकलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जी बाकी फेलो राइडर्स क्या कर रहे हैं। जो हमारी पहली राइड थी ना, मानसेरा से बाबूसर टॉप, जिसमें नारान भी था, उसने बहुत ज़्यादा थका दिया था। बस चिल्लास में स्टे करने की गई, यार रुकें और रेस्ट करें। और ये था जी हमारा रूम जो हमने लिया चिल्लास में, एसी वाला, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। और ये था 3 बेड, कितने का मिला जी? 6000 का हमें मिला जी। ले जी, दिन का आगाज़ हुआ जी हमारा मैनेजर साहब के साथ नाश्ता करते हुए। मैनेजर साहब हमें लगा के दे रहे हैं नोटेला चिकन स्प्रेड, वहाँ पे सारी बैटरी चार्ज हो चुकी हैं। ये अपना सारा सामान अभी खिलरा पड़ा, इसको सेटअप करके हमने भी यहाँ से निकलना। सफ़र शुरू करने से पहले सब बाइक्स के चेन को ऑयल दे दिया जाए, क्योंकि बाबूसर टॉप की वाटर स्ट्रीम्स ने चैन को फुल ड्राई कर दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुभान अल्लाह जी साखरा लाना हाजा व मैं गुन्नाल हूँ मुकरिनीन व इन्ना इला रबिन आलमन कालिबोन। ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जी चिल्लास, यहाँ पे एसकॉम का कोई दफ्तर है, उन्होंने सिमें निकलवानी है, मैंने रिचार्ज करवाना है एसकॉम को, ताकि आगे इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे वो ओपन है बाबू सर लिंक के नाम से, एसकॉम का पैकेज हो गया, क्योंकि आगे कोई भी नेटवर्क नहीं चलता, सिर्फ एसकॉम है। तो जब भी यहाँ पे आएँ एसकॉम की सिम ले लें, सिम है तो बैलेंस करवा लें, बैलेंस है तो पैकेज कर लें। ये जो कोहिस्तान का पहाड़ी सिलसिला ना, वो सारा ऐसा है पथरीला। साथ हमारे पैरेलल चल रहा है जी इंडस रिवर, और हम क्रूज़ कर रहे हैं जी कराकरम हाईवे पे। और इस हाईवे का यार मेन मज़ा ये है कि यहाँ पे जो क्रूज़ करने का मज़ा आता है ना, डेंजरस भी बहुत ज़्यादा है, ओवर स्पीडिंग नुकसानदेह है, लेकिन बहुत लेवल की ये हाईवे है। इस तरफ से बाबूसर टॉप और उस साइड का रास्ता जाता है नारान जाने के लिए, हम यहाँ से ही आए थे। ये है जी हुसैन चौक, और यहाँ से भी हमने टर्न ले कर जाना है सीधा गिलगित। एक मिनट, डाला लंगन दे। चलो आ जाओ ना अरसलान भाई। अच्छा जी, अदनान भाई का भी मोटो व्लॉगिंग सेटअप करते हैं, और आपको भी बताते हैं कि अगर आप मोबाइल से मोटो व्लॉग्स क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। दिखाएं जी अपना मोबाइल, ये है जी आईफोन 15 Pro Max, कितने जीबी है जी? 500 जीबी और 64 जीबी है। ओके, अगर आपके पास लेटेस्ट फ़ोन है, आपने काम कर लेना है कि एक्शन मोड के ऊपर कैमरा रख लेना। ये एक्शन मोड के ऊपर कैमरा ओपन हुआ, वीडियो पे एक्शन मोड इनेबल कर लें, इससे ये है कि स्टेबलाइजेशन आपकी होगी। ठीक है जी, फ्रंट हैवी तो नहीं हो गया आपका? ओके, सो नाउ अब इसका जो वॉल्यूम डाउन का बटन है वो इस तरफ आ गया नीचे। ये वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस किया और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सामने आपको पहली रिकॉर्डिंग में दिखेगा जी राइड विद अब्दुल्ला। ये होगी जी अपनी टैंकी ऑलमोस्ट फुल, कितने का हो गया जी? 2100 रुपये का, 8.1 लीटर। आगे जा रहे। ये है लैंडस्लाइडिंग वाला, बड़ी खौफनाक किस्म की यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग ऑलरेडी हुई है, लेकिन ना अभी तक रोड क्लियर है, आगे का कुछ नहीं कह सकते। ओके जी, ये आया जी फेरी मीडोज़ का ट्रैक, सीधा है जी गिलगित, यहाँ से आप फेरी मीडोज़ जा सकते हैं।
गॉट इट। क्या यार मंजर है ये सामने, ये मेरे ख्याल में दयामीर बादशाह डैम वाली साइड तो नहीं है। एनीवेज आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है नीचे कोई डैम की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो होपफुली ये दयामीर बादशाह डैम की ना हो। हम क्रूज़ कर रहे हैं जी इस वक्त कराकरम हाईवे पे, ऑफ रोड क्रॉस किया है, अभी पक्की कारपेटेड रोड पे आ गए हैं और मज़ा आ रहा है इस वक्त क्रूज़ करने का। हैवी व्हीकल्स हैं यहाँ पे जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। सामने जो आप ये माउंटेन देख रहे हैं ये है जी नांगा पर्वत, और अभी कुछ ही फासले पे हमें शायद जगलोड जंक्शन और रस्तौर रोड देखने को मिलेगा। हमारे राइट साइड पर आए हैं नांगा पर्वत के किलर माउंटेन्स, जिनका एल्टीट्यूड है 26,660 फुट और ये डबल है बाबूसर टॉप के एल्टीट्यूड से। चलो पायन मसा मसा गिल के थी पहुंचांगे शाम नो। यार बहुत लेट हो जाएंगे। ओए यार बीच रोड के खड़े हुए हैं। सिर्फ इसकी वजह से 10 मिनट के इंतज़ार के बाद हमारा सफ़र कंटिन्यू हुआ। माय गॉड माशाल्लाह रोड चेक करें आप, तो अभी हम पहुंचे हैं जी जगलोट और ये है जी जगलोट जंक्शन, जंक्शन ऑफ वर्ल्ड 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, नंबर 1 कोह कराक्रम, कोह हिमालया, कोह हिंदुकश। ये है जी IBX रेस्ट एरिया। आगे एक टनल आ रही है मेरे ख्याल में, ये टनल हमने कर लिया जी क्रॉस। लाइट्स ऑफ, बहुत हैवी किस्म की हवा है, सूरज की जो किरणें इस रोड पे पड़ रही हैं और मंजर जो इधर नजर आ रहा है ना, कमाल है कमाल है। सामान सेट कर लूं, हवा यहाँ पे बहुत तेज है। यहाँ से हमने जाना है दनियोर, राइट साइड पे इधर रुक के वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? चलो ठीक हो गया, थैंक यू। यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है, इस तरफ सुल्तानाबाद है लेकिन हमने नलतर जाना है सीधा। माशाल्लाह यार क्या व्यू है, और दरख्त जो हवा के साथ लहरा रहे हैं, और सामने जो पीक है ग्लेशियर है, माशाल्लाह मिट्टी बहुत ज़्यादा है लेकिन व्यू लेवल का। रेडी रेडी रेडी, ऐसा लग रहा है मैं हवा से उड़ जाऊंगा। ओ खैर भाई राइट साइड पे खुद ही जा रही है। नहीं नहीं बस, ओह
थोड़ा यहाँ पे सुकून हुआ है, वरना बाइक तो उठ रही थी यहाँ पे। नीचे वादी में देख सकते हैं कैसा मिट्टी का तूफान आया हुआ है, और सामने का मंजर लेवल माशाल्लाह। यहीं रुक जाते हैं बेहतर। आई होप सो कि वो रुके ना हो कहीं। सामान भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठंडे पानी की बोतल है एक दे दें। स्टे के बाद सफ़र हुआ जी कंटिन्यू, बाकी रह गया 19-20 किलोमीटर, वो अब हम कर ही जाएंगे अलग के फजलो करम से। तकरीबन 7:15 हो चुके हैं प्रॉपर, यानी कि आप कह सकते हैं ना जिस तरह अंधेरा वो अभी नहीं हुआ। सफ़र हमारा कंटिन्यू है, 15 किलोमीटर रह गए हैं। ओह रोड बहुत मक्खन मलाई है, और नज़ारे माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त हैं कि क्या बताऊँ। आप जब तक यहाँ ख़ुद नहीं ना आएंगे आप नहीं इमेजिन कर सकते इस चीज़ को जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रोड तो ऐसा लग रहा है जैसे नहीं बनी है। पीछे मेरे किया स्पॉटेज है, आई होप सो वो क्रॉस कर जाए, मेरी वजह से कहीं उसका रास्ता ना ब्लॉक हुआ हो। ओवरटेक कर ही लिया उसने, मैं आपको कह रहा था कि वो ज़रा बिल्कुल उसने नाल ही जोड़ी हुई सी मेरी मोटरसाइकिल दे, मैंने लग रहा है उन्हें ओवरटेक कर जाने। एनीवेज आप व्यू चेक करें यार, और ये मंजर ओए। माशाल्लाह रास्ते में एक ब्रिज, और यहाँ पे पुलिस भी है। ड्रोन तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता क्योंकि इन्होंने फौरन ही कहना है लाल है थले। और ये आइए जी चेक पोस्ट, बस एंट्री होगी नहीं जी, यहाँ होगी एंट्री। इधर बाइक्स लगाते हैं, उन्होंने आईडी कार्ड तो नहीं रखा, कैसी लिख पड़ती। अब हमने घूम के उस तरफ जाना क्योंकि दरिया है बीच में। क्या हुआ वो माशाल्लाह, मज़ा आ गया। ये है जी अपना तूफान मेल अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से नलते तकरीबन 3 किलोमीटर का रह गया फोटोशूट, बड़ा बेहतरीन किस्म का यहाँ पे हो चुका है जिसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे हम डालेंगे। ये देखिए फोटोशूट हो रहा है यहाँ पे भाई, मैराथन करने लगे हैं यहाँ से, यहाँ से भाग के 3 किलोमीटर का नलतर करेंगे। और ये है जी कैमरामैन। यहाँ से निकल तो अंधेरा हो गया, और वही 3 किलोमीटर का नलतर अभी हमने यहाँ से क्रॉस करना है। ये पहला या दूसरा गेयर है, काफ़ी बाइक ना यहाँ से जोर ले रही है। ये अब हम नलतर में एंटर हैं, यहाँ पे चेक पोस्ट है, इधर एंट्री करवाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी एंट्री होगी, मैं कहा पीछे भी एंट्री इधर भी होगी। मुझे आपको एक शॉट लेने वहां से दोबारा आ सकते हो? अच्छा जब ये एंट्री कर लेना वहां से आपने दोबारा, ठीक आप जाए पीछे चले जाए। ये मिस बैठी हैं जी वीडियो बनाने के लिए। नलतर बाज़ार में से गुजरे हैं, इधर कोई होटल देखते हैं। अच्छा जो मंजर है वादी वाला वो कहाँ पे? चलो यार रास्ता दे दो। ये 0 पॉइंट ऐसे भी आ गया, यहाँ पे हैं कुछ होटल्स।
आखिरकार खूबसूरत रास्तों से गुजर के नलतर तक पहुंच गए हैं, और यकीन करें सफ़र भी मज़े का था और जगह भी बहुत मज़े की है। होटल ले लिया, होटल कितने का लिया है ये लिखा हुआ है, कितने का लिया है, क्योंकि जितने का हमने लिया है वो बताने से मना किया गया है बाय होटल मैनेजर या होटल ओनर। नहीं, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया। नहीं पान, ग्रुप मैनेजर ने बिल्कुल मना नहीं किया था। सो अभी हमारा प्लान है खाना खाने का। ये नहीं, मटन देख आए, मटन देख आए, मटन हमारा खाने का रहता है। ये एयर टाइट करवाइए जी इनसे, अल फैसल वालों से। कितने डब्बे करवाए जी आपने? 18 डब्बे हम साथ लाए हैं, तो इंशाल्लाह मटन खाएंगे क्योंकि आज है अब्दुल्ला भाई की बर्थडे। तो ब्रो अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। इत्तफाकी तौर पे पहली दफ़ा टूर से बर्थडे आ गई। बाकी नलतर कैसा खूबसूरत है सुबह बताएंगे आपको, सुबह बताएंगे नहीं सुबह दिखाएंगे। तो वीडियो देखते रहें, हम खाना खा लें। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नलतर। रात का स्टे यहीं पे था, और दिन के टाइम जब हमने यहाँ के मनाजिर देखे हैं, जैसे यहाँ का रास्ता ज़बरदस्त था, उसी तरह ये वैली नहायत खूबसूरत है। और हमारी लाइफ का जो बेस्ट डिसीजन था हुंजा को स्किप करवा कर यहाँ आना था, वी नेवर रिग्रेट इट। बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ कि हमने वो क्यों स्किप किया, क्योंकि ये जगह हुंजा से कई दर्जे खूबसूरत है और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम है। अभी यहाँ पर ड्रोन फ्लाइट लेने की तैयारी है, तो ड्रोन फ्लाइट में आपको दिखाते हैं कि जी कि ये एक्चुअली कितने खूबसूरत है। ग्रीन फील्ड्स, लश ग्रीनरी, पीछे ग्लेशियर्स, और मज़ा आ गया यार यहाँ आके। बहुत ही पुरसकून जगह है हुंजा में, आपको ये सुकून नहीं मिलता वहाँ पे, आपको रश ही सिर्फ मिलेगा। और अब लग चुकी है जी बड़ी अखीर किस्म की भूख, और अभी टाइम है जी नाश्ते का। कि हमारे नाश्ते होते हैं मम्मी डैडी, हम अपने नाश्ते साथ लाए हैं खाने के साथ साथ। और ये हैं जी हमारे मैनेजर साहब, ये सबको सर्व करेंगे। क्यों ताड़े हाथ सर्व करेंगे? ले अपनी अपनी मेहनत ना बनाओ, अपना सेल्फ सर्विंगे जी, सेल्फ सर्विस। और फिर हाँ जी, ब्लू लेक जाना है, क्या सीन है? भाई बाइक जाएगी, सामान इधर रखा देंगे, सामान इधर रख के चलिए। ये दिल का सच पीछे पीछे ही आ गई है यारा। ओए होए, साडे मैनेजर ना मुंह मिलदा यार, ऐ कमेंट बिल्कुल नहीं करने के सन है ना, क्योंकि बहुत बुरी गल होती है ना, जाते मैनेजर खुद करेगा। हां जी ना।